हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज की मूवी का नाम है सेक्स टेप, जो 2014 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की फरमाइश करने वाले हैं मिस्टर यश। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत ही काफी ढिंचक तरीके से होती है। जॉय और एनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और दिन भर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहते हैं। वो इस चीज में काफी माहिर है, वो इसे काफी इंजॉय भी करते हैं। और एनी को देखकर जॉय को इरेक्शंस होने लगते हैं। इरेक्शंस का मतलब होता है किसी को देखते ही एक्साइटेड हो जाना। एनी एक ब्लॉगर है और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ब्लॉग में लिखती है। एनी के दोस्त उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। जॉय एनी को अंदर घसीट कर फिर से शुरू हो जाता है। वो दरवाजा खुला रह जाता है और आते जाते लोग उन्हें सेक्स करते हुए देखते हैं। जॉय कहता है, मैंने तुम्हारे बट्स आज तक पहले कभी नहीं देखे, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। वो दोनों शुरू हो जाते हैं। एनी अपने पेरेंट्स से बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और जॉय से शादी करने जा रही है। एनी का डैड कहता है, बाय बाय सेक्स। दरअसल उन्हें लगता है कि शादी के बाद लाइफ से ये सब चीजें गायब हो जाती हैं। ये सुनकर जॉय और एनी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या डैड की कही हुई बात सच है। जॉय एनी से कहता है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन वो हम बदल नहीं सकते। एनी कहती है, लेकिन हमारी सेक्स लाइफ का क्या? क्या तुम मुझे वैसे ही प्यार करोगे जब मैं मोटी हो जाऊंगी और एक बच्चे की माँ बन जाऊंगी? जॉय कहता है, बिल्कुल। एनी फाइनली माँ बन जाती है और वो दोनों जब भी कुछ करने लगते हैं उनका बच्चा पीछे से रोने लगता है और दूसरा बच्चा भी हो जाता है। एनी जॉय से कहती है, हम नेक्स्ट वीकेंड सेक्स करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉय शॉवर ले रहा है। एनी उससे कहती है कि तुम बच्चे देख लो क्योंकि उसे मीटिंग के लिए जाना है। जॉय बच्चों को तैयार करता है और उसका बेटा अपने ग्रेजुएशन फंक्शन के लिए प्रेजेंटेशन बना रहा है। जे एनी से पूछता है कि हम सेक्स कब करने वाले हैं। एनी कहती है कि वो इस थर्सडे सेक्स पक्का करेंगे। उनकी मॉम लंच बनाने वाली है, वो बच्चों को संभाल लेंगी। जे एनी मीटिंग के लिए चली जाती है। वहाँ हैंक को एनी का ब्लॉग काफी पसंद आता है और वो एनी से काफी इम्प्रेस होता है। वो उसके ब्लॉग को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। जे का फ्रेंड जे को बता रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे उसके बूट्स की फोटो सेंड की है। ये सुनकर जे कहता है, वाओ। जे बताता है कि उसने भी एक बार अपनी डिक की फोटो सेंड की थी। तभी रोजी वहाँ आ जाती है, जो बहुत सारे आईपैड्स लेकर आई है, जिसे जे ने ऑर्डर किया था लोगों में बांटने के लिए ताकि उसके म्यूजिक वीडियो का मार्केटिंग हो सके। एनी जे को कॉल करके बताती है कि हैंक को उसका ब्लॉग काफी पसंद आया है, वो उसे खरीदने को तैयार है। ये सुनकर जे काफी खुश होता है और सेलिब्रेट करने को कहता है। एनी कहती है, क्यों ना हम बच्चों के साथ पिज्जा खाने चलें। ये सुनकर जे का मूड खराब हो जाता है क्योंकि वो बस एनी के साथ सेक्स करना चाहता है। एनी समझ आती है और अपनी माम को बच्चों को संभालने के लिए कहती है। जे घर में है और एनी रोलर स्केटिंग करते हुए वहाँ आती है और जे उसे देखता रह जाता है। उसने काफी सेक्सी ड्रेस पहनी होती है, कुछ भी नहीं पहना होता है। वो पूछता है, तुमने ये पैंटी कब खरीदी? तुम काफी सेक्सी लग रही हो। एनी उसे अपने रोलर स्केटर्स खोलने को बोलती है। जे उसे खोल नहीं पा रहा। वो स्केटर्स खींचता है और दोनों गिर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी दिनों बाद ऐसा करने से वो ढंग से किस नहीं कर पा रहे। वो बेड पर लेट कर कोशिश करते हैं, वहाँ भी वो कुछ नहीं कर पाते। फिर एनी कहती है कि वो किचन में ट्राई करते हैं, वहाँ भी उनसे कुछ नहीं हो पाता। फिर वो सोफा ट्राई करते हैं और जे खुद को एक्साइटेड नहीं कर पाता। वो एनी से कहता है, मैं पहले तुम्हें देखते ही एक्साइटेड हो जाता था, हम दोनों कितने परफेक्टली सेक्स करते थे। वो एनी के बूट्स टच करके एक्साइटेड होने की कोशिश करता है। एनी को लगता है शायद वो बुढ़े हो गए। जे कहता है, नो वे, वो दिन भर सेक्स के बारे में ही सोचता रहता है। एनी भी बताती है कि वो कंप्यूटर पर पॉर्न वीडियोस देखती है और वो वीडियोस उसे अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। वो दोनों कहते हैं कि क्या उन्हें पॉर्न वीडियोस देखने चाहिए। फिर वो टकीला पीने का सोचते हैं और एनी आईपैड लेकर आती है और जैसे कहती है कि वो क्यों ना खुद का पॉर्न वीडियो बनाए। जे को ये आइडिया अच्छा लगता है। एनी जैसे स्टोरी लाइन पूछती है। जे कहता है, मुझे नहीं लगता स्टोरी की कोई जरूरत है। एनी एक बुक उठाती है जिसमें सेक्स पोजीशंस दिखाई गई हैं। वो उन पोजीशंस को ट्राई करने की सोचते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं और फाइनली वो कर लेते हैं। एनी जैसे उस वीडियो को डिलीट करने को कहती है। जे कहता है वो बाद में याद से उस वीडियो को डिलीट कर देगा। नेक्स्ट डे उनके घर में बच्चों के लिए पार्टी हो रही है और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फोर्थ ग्रेड में कब से बच्चे ग्रेजुएट होने लगे। जे एनी के पास आता है और दोनों किस करते हैं। रॉबी और उसकी वाइफ उन्हें अजीब तरीके से देखते हैं क्योंकि रॉबी की लाइफ बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। पति के बाद एनी जे से कहती है कि ऐसा लगता है रॉबी और उसकी वाइफ एक दूसरे से नफरत करते हैं। तभी जे के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, आई एंजॉयड योर सेक्स टेप। जे कहता है, तुमने गलत नंबर पर मैसेज किया। रिप्लाई में वो लिखता है, नहीं, नंबर बिल्कुल सही है। जे को टेंशन होने लगती है और उसे याद आ जाता है कि उसने गलती से वो वीडियो सिंक करके सारे आईपैड्स में भेज दिया था और वो आईपैड्स उसने लोगों में बांट दिए थे। जे अंदर जाकर वीडियो चेक करता है। एनी आकर कहती है कि उसे शूट किए हुए सेक्स टेप की आवाजें आ रही है, जो उसे सब कुछ बता दे। जे उसे सब कुछ बता देता है। एनी कहती है कि लोगों के पास हमारा सेक्स टेप है। तभी एनी को याद आता है कि उसने वो आईपैड हैंक को भी गिफ्ट किया था और जे ने एनी की मॉम को ये भी याद आता है कि उनके बेटे के पास भी वही सेम आईपॉड है। बेटे से आईपैड लेकर बाहर फेंक देती है और अपनी मॉम को आईपैड लेकर आने को कहती है। जे उनसे वो आईपॉड लेकर वीडियो डिलीट कर देता है। जे उस बाहर फेंके गए आईपैड को उठाकर कहता है, वाओ,
इन आईपैड्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, ये अभी तक टूटा नहीं। फिर वो दोनों रॉबी के घर जाकर उन्हें सब कुछ बता देते हैं। दरअसल एनी को लगता है कि वो मैसेज रॉबी की वाइफ ने भेजे हैं। रॉबी कहता है, तो तुम लोगों ने अपना सेक्स टेप बनाया है, वो भी 3 घंटे का? 3 घंटे तक कौन सेक्स करता है? जे कहता है, हमने किया है। रॉबी की वाइफ को लगता है कि ये सब हैंक ने किया है। वो कहती है कि उसकी बहन जानती है कि हैंक कहाँ रहता है। एनी कहती है, हाँ हैंक उसकी इमेज को लेकर काफी कंसर्न था, शायद उसी ने ये सब किया हो। वो सब हैंक के घर जाने लगते हैं। हैंक के घर के बाहर कार रोक कर कहते हैं कि तुम दोनों यहीं रुको, ये हमारा फैलाया रहता है, हमें साफ करने दो। वो हैंक के घर जाते हैं और हैंक कहता है, वाओ एनी, व्हाट अ सरप्राइज। एनी ऐसा शो करती है जैसे उसे पता नहीं था कि वो उसका घर है। और वो कहती है कि वो लोग बच्चों के लिए चंदा जमा करने आए हैं। हैंक उन्हें अंदर बुलाता है। एनी हैंक से कहती है कि क्या जे बाथरूम यूज कर सकता है? दरअसल उसे दस्त लग गए हैं। जे अंदर जाकर आईपैड ढूंढने लगता है और वहां एक डॉग आ जाता है। वो जे का पीछे पड़ जाता है। जे इससे बचने की कोशिश करता है और स्टेयर्स पर चढ़ जाता है। डॉग उसकी पैंट्स पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। जे बुक से उसका थोपड़ा तोड़ देता है और उसे लॉक करके वहां से चला जाता है। हैंक को बातों में लगा कर रखती है और हैंक उसे कोकेन लेने को कहता है। एनी मना कर देती है। हैंक कहता है, चलो मैं जे को देख कर आता हूँ। एनी उसे रोक कर कहती है, चलो कोकेन लेते हैं। वहां डॉग फिर से जे के पीछे पड़ जाता है। जे जिम मशीन ऑफ कर देता है और डॉग उससे टकरा कर बेहोश हो जाता है। जे डॉग को CPR देने के लिए गूगल में सर्च करता है, तभी डॉग उसको बाइट कर लेता है। वहां हैंक और एनी कोकेन की वजह से हाई हो जाते हैं। रॉबी डोरबेल बजाता है और हैंक से कहता है कि वो मेयर है और लोगों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। हैंक कहता है, तुम लोग आधी रात को ही चंदा क्यों मांग रहे हो? रॉबी कहता है कि वो पैसे नहीं देना चाहता तो रहने दो, वो आईपैड भी ले सकते हैं। हैंक कहता है कि उसके पास एक आईपैड है जो एनी ने उसे दिया था। एनी कहती है, दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैंक उन्हें वो आईपैड दे देता है। वहां डॉग की वजह से जे नीचे गिर जाता है और मेन डोर के सामने भागता हुआ आता है। हैंक अपने डॉग को हकूना मचाटा कहते हुए शांत करवाता है और पूछता है, जे तुम्हें क्या हुआ? जे बताता है कि उसे दौरे पड़े थे और तुम्हारे डॉग ने मुझे बचाया। एनी कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमने कोकेन ली हुई है। वो हैंक को कोकेन स्ट्रॉ वापस करने लगती है। हैंक कहता है, इसे रखो, ये तुम्हारा है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और छोड़ नहीं रहे। जे कहता है, बस करो। वो एनी पर गुस्सा करता है कि उसने कोकेन क्यों ली। एनी कहती है, मैं उसका ध्यान भटका रही थी। जे कहता है, वहां मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था और तुम नीचे उसके साथ कोकेन ले रही थी। एनी उसे उस वीडियो को डिलीट ना करने की वजह से बातें सुनाती है। जे कहता है, मैं वो टिप इसलिए डिलीट नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अब तक का सबसे बेहतरीन दिन था मेरी लाइफ का, मैं उसे अपने लिए रखना चाहता था। वो कहता है, तुम्हें कोकेन नहीं लेनी चाहिए थी। एनी कहती है, उसे कोकेन लेकर मजा आया और वो दोबारा इसे लेना चाहती है। वो जे से पूछती है, हम लोगों ने सेक्स करना क्यों छोड़ दिया? तभी वो देखती है कि रॉबी और उसकी वाइफ उनकी कार के अंदर सेक्स कर रहे हैं। वो दोनों सॉरी कहते हैं। जे पूछता है कि क्या उन्होंने उनका वीडियो देखा है? रॉबी कहता है, हाँ, और उनका सेक्स टेप काफी अच्छा है। और एनी को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, वो काफी अच्छी लग रही है, ये एक नेचुरल चीज है। वो जे से कहता है, तुम्हारा डिक काफी शानदार है वैसे। वो रॉबी से आईपैड वापस मांगता है। वहां रॉबी के घर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये सब रॉबी के बेटे हॉवर्ड ने किया है, उसी ने उन मैसेजेस को भेजा है। वो जे से $25,000 मांगता है और कहता है कि वो उनका वीडियो यूपॉन साइट्स को भेज चुका है। वो घर जाकर रॉबी को फोन करके बता देता है कि ये सब उसके बेटे हॉवर्ड ने किया है और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन रॉबी कहता है कि उसने उससे पूछा है और उसके पास कोई वीडियो नहीं है। जे उसे उसका मोबाइल और कंप्यूटर चेक करने को बोलता है, लेकिन रॉबी मना कर देता है। जे एनी से कहता है कि वो टेक्स्ट हॉवर्ड ने किया है और उनसे पैसे मांगे हैं और उनका वीडियो यूपॉन पर अपलोड कर दिया है। ये सुनकर एनी परेशान हो जाती है। जे उसको समझाता है कि अगर लोगों को पता चल भी गया कि उस वीडियो में हम हैं, तो वाकई हमें फर्क पड़ना चाहिए। वो अपना वीडियो खुद देखने के लिए कहता है। अपना वीडियो देखकर वो ये पता करता है कि क्या आखिर उसमें उनका फेस दिख रहा है या नहीं। जे उस वीडियो को देखता है और एनी से कहता है कि वो वीडियो काफी वाहियात है, मैं काफी बुरा लग रहा हूँ। एनी पूछती है, वो कैसी लग रही है? जे कहता है, ओह माय गॉड, तुम तो कमाल लग रही हो। जे कहता है कि हमें हॉवर्ड को पैसे दे देने चाहिए। एनी कहती है, नो वे, वो उसे कोई पैसे नहीं देने वाली। एनी को एक आइडिया आता है, वो यूपॉन की साइट से उनका बिजनेस एड्रेस पता कर लेती है। वो अपने बच्चों को साथ लेकर उनके ऑफिस पहुंच जाती है। वो लोग आवाज देते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उनका बेटा उठ जाता है और पूछता है कि क्या कर रहे हो। जे कहता है, तुमको कुछ एडवेंचर करना था ना, चलो करते हैं, हम लोग शटर तोड़कर अंदर जाएंगे। वो शटर तोड़ देते हैं, अंदर जाकर उस जगह जाते हैं जहाँ वीडियोस का डाटा रखा हुआ है। जे उन वीडियोस को तोड़ने लगता है और सायरन बज जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि कुछ लोग खड़े हुए, वो वहाँ का मालिक होता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। वो उन्हें कुछ पॉर्न साइट्स, रेड ट्यूब, बिग बुब्स, इन सब के नाम बताकर पूछता है कि क्या तुम इन साइट्स के लिए काम करते हो।
इन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजा है। वो दोनों अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि उनके पास उनका सेक्स टेप है। मालिक की वाइफ एनी को पहचान जाती है क्योंकि वो उसके ब्लॉग्स को पढ़ती है और वो उसकी काफी बड़ी फैन है। फिर वो आदमी कहता है कि उन्हें उसे अपने सेक्स टेप को टेक डाउन करने के लिए एक ईमेल करना पड़ेगा और उसके पास हजारों वीडियोस आते हैं। उसे इनसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने जो उनका शटर तोड़ा है उसके लिए वो उनसे $15,000 मांगता है। वो तैयार हो जाते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने ऐसा वीडियो बनाया है ये क्यों, जो तुम्हें देखना ही नहीं था। एनी कहती है ये दरअसल मेरा आइडिया था, मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती थी। वो सब बाहर आकर देखते हैं तो सुबह हो गई है। वो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते हैं क्योंकि आज उन्हें ग्रेजुएट होना है। स्कूल जाकर जे एनी से कहता है बेबी आई लव यू, और उस तरह से नहीं जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ, आई रियली लव यू, मैं सच में तुमसे ब्याह करता हूँ, तुम काफी ग्रेट हो, मैं तुमसे उस वीडियो को फैलाने के लिए माफी मांगता हूँ। और कहता है कि लेकिन अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ, इससे हमें अपने बारे में जानने को बहुत कुछ मिला। तभी उनका बेटा स्टेज पर आकर प्रेजेंटेशन देने लगता है। एनी पूछती है कि क्या तुमने उसके कंप्यूटर से वीडियो डिलीट किया। जे भाग कर उसको डिलीट करने जाता है और ऊपर से नीचे कंप्यूटर के ऊपर गिर जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में उनका वीडियो नहीं होता। रॉबी अपनी वाइफ से कहता है तुम डॉक्टर को फोन करो, मैं कंप्यूटर संभालता हूँ। उसकी वाइफ कहती है तुम डॉक्टर को फोन करो, कंप्यूटर मैं संभाल लूंगी। वो सब घर पर होते हैं और हॉवर्ड वहां आकर जे से कहता है कि उसके पास वो आखिरी कॉपी बची है, बाकी सारी वीडियोस उसने डिलीट कर दी हैं। वो जे को उस कॉपी को दे देता है। दरअसल जे ने अपने बेटे को हॉवर्ड के साथ हैंग आउट करने से मना कर दिया था और वो हॉवर्ड का इकलौता फ्रेंड है। एनी और जे उस कॉपी को तोड़ने लगते हैं, लेकिन एनी उस वीडियो को आखिरी बार देखना चाहती है। वो दोनों उस टेप को देखने लगते हैं और उनको वो काफी बुरा लगता है। वो खुद को उस तरह से देखकर काफी गिल्टी फील करते हैं और फाइनली वो आखिरी कॉपी को भी तोड़ देते हैं।